राष्ट्र की राजनीति का दबाव हुआ जिसकी वजह से आपका टिकट कटा, क्योंकि आप पर आरोप लगा कि आपने महाराष्ट्र पुलिस को, महाराष्ट्र सरकार को बदनाम किया, शायद ये वजह रही, आपको क्या लगता है? पहली बात तो ये, वजह तो कुछ भी रही हो, ये बड़े नेताओं के बीच की बात होगी, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र सुशांत के मौत के प्रकरण में मैंने जो भी किया उसमें मैंने न कोई गलती की न उसका मुझे कोई अफसोस है। मैंने चार ही काम किया। जब उसके पिता वहाँ की इंक्वायरी से संतुष्ट नहीं हुए तो यहाँ उन्होंने एफआईआर करने की इजाज़त मांगी, हमने एफआईआर करवा दिया। और एफआईआर होने के बाद कोई रास्ता नहीं बचता है, जो एफआईआर करता है उसको अनुसंधान करना पड़ता है, तो मैंने अपनी टीम भेज दी। उस टीम के साथ महाराष्ट्र पुलिस ने क्या किया उसको पूरी दुनिया ने देखा, किस तरह हमारे अधिकारियों को ह्यूमिलिएट किया गया। महाराष्ट्र पुलिस को हमने बेइज्जत नहीं किया है, हम तो हमेशा से कहते रहे कि पूरे देश की पुलिस एक है और आपस में एकता और सॉलिडरिटी दिखाना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। हमारी बिहार की पुलिस को बदनाम किया और बेइज्जत किया महाराष्ट्र की पुलिस ने। चार हमारे अधिकारी गए, उनके एकोमोडेशन की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी क्या? अनुसंधान के लिए गए तो उनको वाहन की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी क्या? उनके साथ बैठ करके इज्जत से बात नहीं करनी चाहिए थी क्या? अनुसंधान उन्होंने क्या किया है उसके बारे में शेयर नहीं करना चाहिए थे क्या? उन्होंने कुछ नहीं किया और पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से धक्का मार करके कैदी भवन में बैठा करके उनको भगाया गया। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने अपने दल की प्राथमिक सदस्यता हमको दिलाई, तो मैं उस सदस्य की हैसियत से अभी भी जदयू में बना हुआ हूँ, उनके पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ। मेरे वीआरएस लेने और पार्टी की सदस्यता को लेने से उसको सीधे चुनाव से जोड़ करके देखना ठीक नहीं है। चुनाव लड़ने की संभावना थी, मैं हमेशा कहता रहा चुनाव में लड़ सकता था, किसी कारणवश ये समीकरण नहीं बैठा। राजनीति में बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, तो मैं इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं एनडीए के साथ हूँ, एनडीए के साथ रहूँगा। और जहाँ भी पार्टी एनडीए मतलब नीतीश जी का जहाँ भी आदेश होगा और भाजपा का, मैं दोनों दलों के लिए जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ अपने प्रभाव का, अपने गुडविल का इस्तेमाल करूँगा। प्रचार में जाने की ज़रूरत होगी तो प्रचार भी करूँगा। अब तो मैं स्वतंत्र हूँ और एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पॉलिटिकल आदमी हूँ, तो पॉलिटिक्स में सबकी भूमिका निर्धारित होती है। अब पार्टी मेरी जिम्मेदारी तय करेगी और जो जिम्मेदारी तय करेगी उसको निष्ठापूर्वक मैं उसको निभाऊंगा। जहाँ तक मेरे बारे में आपकी जिज्ञासा होगी तो मेरे बारे में एनडीए के लोग सोचेंगे कि क्या करना है, मुझे अपने बारे में कुछ नहीं सोचना है और अपने बारे में कुछ नहीं बोलना।